तो ये जो हम लोग सुबह सुबह पानी पी रही है, मैं जो पानी पी रही हूँ उसमें अलसी, आड़ू, वाइट वाला तिल और मेथी दाना, उसको रोस्ट करके पाउडर बना के रखा है मैंने। इतना इतना पाउडर मैं डालती हूँ पानी में, और मतलब रात को रख देती हूँ सोप करने के लिए। मॉर्निंग में इस तरह से पीते, ब्रश व्रश बिना किए हुए, मुँह वगैरह नहीं धोते, पहले उठ के ये पानी पीते। और जो विशाल पी रहे हैं वो चावल का पानी है, 2 चम्मच चावल में अच्छी तरह से धो के, जैसे खाने में हम लोग चावल बनाते हैं ना, उस तरह से साफ करके 2 चम्मच सोख करने के लिए रख देती हूँ रात में। और मॉर्निंग में उसको मतलब चावल निकाल देती हूँ, क्योंकि उसका काम हो चुका होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें पानी से मतलब होता है। तो अभी ये पानी वो पी रहे, अच्छा होता है ये लेडीज़ के लिए, अच्छा होता है इसके लिए ये मैं पी रही हूँ। मैं भी चावल का पानी पीती हूँ, लेकिन मैं सोने से पहले पीती हूँ, और ये तो सभी के लिए अच्छा है। राइस वाटर, राइस वाटर। और हमारे नए पड़ोसी देखो, अभी रोटी बना रही हूँ और चावल बना के हो चुका है यहाँ पर। और अंडा कड़ी बनानी थी, उसके लिए मैंने सारी रेडी मतलब सारी जो तैयारी थी वो करके रखी थी। ये गरम था इसके लिए थोड़ा सा इसको ठंडा होने के लिए रख दिया, और उतने में लाइट चली गई। सब कुछ रेडी करके रखा था, मतलब तड़के के लिए भी सब सामान रेडी करके रखा था। मतलब मैंने सोचा था पहले इसको मतलब अंडा कड़ी बना के रख दूंगी, उसके बाद रोटी बनाऊंगी, लेकिन लाइट चली गई। अगर लाइट आती है तो बनाएंगे, नहीं तो फिर ऑमलेट बना के खाना पड़ेगा। मैंने सोचा था राइस के लिए भी हो जाएगा और रोटी के लिए भी एक ही हो जाएगा, तभी लाइट के ऊपर है, अभी क्या करेंगे। यहाँ पर मेन प्रॉब्लम लाइट का ही है, लाइट ही बहुत जाती है यहाँ पर, बहुत मतलब 1-1 घंटे के लिए ना, 1 घंटा या कभी कभी 15 मिनट में भी आ जाती है, कभी 1 घंटे में आ जाती है। यहाँ पर बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं, पानी वानी का कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, सुबह जो मैंने पानी पिया था ना, उसके बारे में आपसे बात करना है। वो पानी अगर मतलब प्रेग्नेंट हो या फिर आप मतलब कंसीव करना चाहते हो तो मत लेना, आप डॉक्टर से एक बार पूछ के ही वो पानी लेना। मेरा हार्मोन्स का थोड़ा इश्यू है, इसके लिए मुझे डॉक्टर ने बोला था, इसके लिए मैं वो पानी ले रही हूँ। आप एक बार डॉक्टर से पूछ के फिर वो पानी अगर आप शुरू करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन एक बार डॉक्टर को पूछ लेना। प्रेग्नेंट हो या फिर कंसीव करना चाहते हो तो मत लेना वो। अगर आप राइस वाटर लेना चाहते हो तो हाँ, सबके लिए अच्छा है वो, सबके लिए अच्छा है वो, ले सकते हो, कोई भी ले सकता है वो, उसका कोई नहीं है। बट ये कैसा, वो सारे उसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स जो मैं ले रही हूँ ना, वो
ये पाउडर बना के मैंने ऐसे रखी है। इसमें सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो गरम है, इसके लिए मैं मतलब बता रही हूँ आपको कि अगर आप प्रेग्नेंट हो या फिर कंसीव करना चाहते हो तो मत लेना बस। तभी फटाफट से रोटी बना लूंगी, लाइट आती है तो फिर अंडा कड़ी खाएंगे, लाइट नहीं आएगी तो ऑमलेट खाएंगे। लाइट आ गया, फटाफट से मैं मसाला बना लेती हूँ। तो इस तरह से मुझे मिक्सर नीचे रखना पड़ता है क्योंकि ये हाइट बहुत है और वहाँ पर ना मिक्सर की जो वायर है वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, छोटी है। मसाला हो चुका है फाइनली, अभी अंडा कड़ी खाएंगे नहीं तो फिर ऑमलेट खाना पड़ता। अभी रोटी बना रही तो पहले रोटी बना लेती हूँ, अंडा कड़ी में उतना टाइम नहीं लगता, फटाफट से तड़का लगा के एक बार मसाला भून लिया उसके बाद हो जाएगा। अरे गैस बंद की है ना, ये देखो तो मैंने अभी अंडा कड़ी को थोड़ा सा मतलब 5 मिनट के लिए बॉईल करने के लिए रखा है। तो जस्ट ऐसे यहाँ पर आके खड़ी हो गई थी, गरम मतलब गरम हो रहा था किचन में ज़्यादा, तो इसके लिए यहाँ पर आके थोड़ा सा हवा खा रही था। मेरी नज़र यहाँ पर नीचे गई, ये एलोवेरा का प्लांट है इसके साइड में। तो ये अंडा दिया है, किसने दिया पता नहीं। अभी ये जो हमने मतलब सुबह मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पर चिड़िया के लिए हमने बॉक्स लगाया, उसमें चिड़िया भी उनका घोंसला बना रही है। अभी उन्होंने दिया या कोई दूसरी चिड़िया ने दिया पता नहीं, कि सुबह नहीं था, नहीं सुबह जब हमने थोड़ा सा इनको पानी दिया क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आती है तो रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देते हैं, तो सुबह पानी दिया था तभी तो नहीं था। अभी देखा हमने, क्योंकि इन लोगों की वजह से हम लोग ज़्यादा अभी खिड़की में नहीं आते क्योंकि थोड़ा सा डर जाते हैं। यहाँ पर ये देखो इस तरह से ये घोंसला बना रहे हैं, इनके वजह से हम लोग यहाँ पर अभी ज़्यादा नहीं खड़े रहते हैं क्योंकि डरते हैं ना। पता नहीं इनका ही है या किसी और चिड़िया का, क्योंकि यहाँ पर बहुत चिड़िया है, बहुत ही ज़्यादा अलग अलग तरह के चिड़िया है। तो अभी खाना खाते हैं, मिलते हैं बाद में। चलिए आज के छोटा सा वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसे अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।